रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय वित्त मंत्री से एक बिल्कुल साधारण सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या यह सरकार यह आश्वस्त कर सकती है कि पिछले वर्षों के दौरान योजना निधि का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है? हमारे पास तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री द्वारा दिया गया बजट वक्तव्य है और उन्होंने इस सभा में आश्वासन दिया था कि जिला स्तर पर कार्यदल द्वारा देखरेख की जानी चाहिए ताकि उस राज्य में कार्य की प्रगति के लेखा जोखा का और विकास परियोजनाओं का निरीक्षण हो सके। क्या यह सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि यह देखरेख की गई है? मेरे विचार से यह मेरी सूचना है कि यह देखरेख उस राज्य में संभव नहीं हो सकी है। मेरे पास अवांछित सूचना है जो कि अफवाह का भाग है और जो संपूर्ण घाटी में चल रही है। वह यह है कि कश्मीर के लोगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि वास्तव में जम्मू व कश्मीर के जरूरतमंद और गरीब लोगों तक नहीं पहुंचती है। पैरा, महोदय कृपया मुझे क्षमा करें यदि मैंने किसी असंसदीय शब्द का प्रयोग किया है। शासन तंत्र के अंदर और शासन तंत्र के बाहर भ्रष्ट लोगों के बीच घोर अनैतिक गठजोड़ हैं और भारत सरकार द्वारा बजट में स्वीकृत की गई पूरी की पूरी राशि गंतव्य स्थान पर न पहुंचकर ऐसे हाथों में पहुंचती है जहां इसका दुरुपयोग होता है और गरीब गरीब ही रह जाते हैं। मेरा माननीय वित्त मंत्री और सरकार से अनुरोध है कि वे इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन करें और समय रहते इस बारे में समुचित कार्यवाही करें और इस ओर आपका ध्यान दिलाने के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ कि विकास परियोजनाओं पर अभी उचित जोर नहीं दिया गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री और पूर्व रेल मंत्री से सुना था कि श्रीनगर से जम्मू से उधमपुर रेल लाइन का निर्माण आर्थिक पुनर्निर्माण की शुरुआत होगी। वर्तमान स्थिति क्या है? रेल लाइन के निर्माण के संबंध में आर्थिक क्रियाकलाप को नई शक्ति देने के लिए इस बजट के जरिए क्या प्रोत्साहन दिया गया है? बेरोजगार युवक आते और इस सुविधा का लाभ उठाते, लेकिन इसमें उस तरह की कोई वास्तविक प्रगति नहीं हुई। हम इस बजट और बजट भाषण से यह अच्छी तरह जानते हैं। पैरा, सभापति महोदय, रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत कश्मीर राज्य में बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए सरकार ने कई
उल्लेखनीय योजनाएं अपनाई हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में मूल्यांकन करे कि अब तक बेरोजगारी की समस्या का कितना समाधान हुआ है। रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम योजनाएं अपनाई गई, लेकिन ये योजनाएं सफल नहीं हुई है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उस राज्य में बिजली के संकट और पर्यटन की समस्याओं का समाधान करने के लिए और अधिक राशि का प्रावधान करें। पैरा, पर्यटन कश्मीर की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार के विकास के लिए हम क्या कर रहे हैं? राज्य में पर्यटन के विकास के लिए बजट में क्या प्रावधान किया जा रहा है? इस मामले में हम ईमानदार नहीं हैं। हम देखते हैं कि वे शाल बुनकर बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। हथकरघा और घरेलू उद्योगों की क्या स्थिति है? खेतों में काम कर रहे गरीब किसानों या तो वानिकी में काम कर रहे हैं, उनकी कितनी कठोर स्थिति है? मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह शाल बुनकरों, शाल के व्यापारियों, सामाजिक वानिकी और कृषि क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करें। मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि वह पर्यटन के विकास की समस्याओं के समाधान पर पर्याप्त ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैं पुनः बजट का समर्थन करता हूं। पैरा, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कई अवसरों पर जब इस सभा के समक्ष कश्मीर का बजट प्रस्तुत किया गया था, मुझे कश्मीर के लगभग सभी बजटों की चर्चा में भाग लेने का अवसर मिला। यह अंतिम अवसर है जब हम जम्मू व कश्मीर के बजट की चर्चा में भाग ले रहे हैं। इसके बाद जैसा मेरे मित्र माननीय सदस्य ने कहा है, कश्मीर के लोग और उनके प्रतिनिधि अपने बजट प्रस्तावों के बारे में अपनी विधानसभा में चर्चा करेंगे, जो वहां हो रहे चुनावों के बाद गठित की जाएगी। महोदय, पिछले सप्ताह मुझे घाटी का दौरा करने का अवसर मिला था। मैंने स्वयं घाटी के बदले हुए वातावरण को देखा। ऐसा केंद्र सरकार की हाल ही में कश्मीर लोगों के प्रति दिखाई गई निष्कपटता के कारण संभव हुआ है। इसके लिए केंद्र सरकार बधाई की पात्र है। पैरा, आदरणीय महोदय, हम में से अधिकांशतः ऐसे देशों से आए हैं जिनमें आपस में धर्म और कला, संस्कृति और व्यापार वाणिज्य के प्राचीन संबंध रहे हैं। उपनिवेशवाद और गुलामी के अंधकारमय
युग में हमारा यह संबंध लुप्त हो गया था। स्टॉप।